हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर 14, दैट इज़ वाटर। तो बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको टेबल 14.1 में एक एक्टिविटी भी दी गई थी, जहां पर आपको बताया गया था कि आपको एस्टिमेशन लगाना है कि आप एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं, इवन आपकी फैमिली एक दिन में कितना पानी यूज़ करती है, और इस तरह से आप अपने विलेज या फिर आसपास की सराउंडिंग के बारे में पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर पानी की खपत कितनी है। तो इससे आपको एस्टिमेशन लग जाएगा कि हमारे जितनी भी हमारी सराउंडिंग है वहाँ पर कितना पानी कंज्यूम होता है, और हमारे ग्राउंड वाटर जो कि ज़मीन के नीचे कितना पानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको जो भी पानी ज़मीन में प्रेजेंट है उसके कंपेरिजन में हमारी नीड्स ज़्यादा है। तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम पैराग्राफ 14.2, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो बच्चों, वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़। तो आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको पानी कहाँ से मिलता है, तो आप एक ही रिप्लाई करोगे कि व्हेन वी ओपन द टैप, जब आप टैप को खोलते हैं तो आपको पानी मिल जाता है। लेकिन जो आपके घर में पानी आता है तो उसका भी कोई ना कोई सोर्स होगा। तो आप कहो के जो आपके घरों पर टंकी रखी हुई है वहाँ पर, लेकिन वो टंकियाँ भी खाली हो जाती हैं, उन्हें भी रिफ़िल करना पड़ता है। फिर आप कहोगे कि हम मोटर चलाकर पानी निकालते हैं धरती में से, और वो हमारे टंकी में फिल होता है। तो जो बच्चे शहरों में रहते हैं वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानी की सप्लाई करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है जहाँ से हमें पानी मिलता है। सम ऑफ यू मे से वी ड्रो वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पोंड, वेल और हैंडपम्प। तो अगर पहले की बात की जाए तो लोग क्या करते थे, नदियों से पानी लेते थे। हालांकि आज भी नदियों से पानी लेते हैं, झरनों से, पोंड, तालाब से, वेल से, कुआं, हैंडपम्प से। लेकिन आज आप देखते हो कि हैंडपम्प का यूज़ और बहुत से वेल, कुएँ अब सूख चुके हैं। अब लोगों के घर पानी की सप्लाई सीधा डायरेक्ट होती है, तो उन्हें दूर तक नहीं जाना पड़ता। लेकिन अभी भी अपने देश में बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी पानी की कमी है, और बहुत सारी वीमेन को अपने बच्चों के साथ पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो जैसे कि राजस्थान, गुजरात, तो यहाँ पर बारिश कम होने के कारण औरतों को अभी भी पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुछ कहेंगे कि हमें जो नल होते हैं वहाँ से पानी मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नल से भी पानी कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। तो आपके जो नल में पानी आता है, या तो वो सीधा किसी नदी से आ रहा है, या फिर किसी लेक से आ रहा है, झील से आ रहा है, या फिर कुएँ से आ रहा है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। लेकिन आपके घर तक वो कैसे पहुंच रहा है कि कोई ना कोई सप्लाई के लिए वहाँ पर पाइप की लाइन बिछी होगी। जैसे देखो, यहाँ पर ये पोंड बना हुआ है और ये मोटर है। मोटर क्या कर रही है, पानी को इस पाइप लाइन से सीधा टंकी में रिफिल कर रही है, और यहाँ से आपके घरों के अंदर पानी आ रहा है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मेन आपको पूछा जा रहा है कि वट इज़ द सोर्स ऑफ योर द वाटर यू गेट एट योर होम। कि आप मेन सोर्स बताइए, नल से पानी तो सभी के घर आता है, पर मेन सोर्स। तो वाटर इन टैप्स कम फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और वेल्स। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। यहाँ पर पानी नदी या फिर ये तालाब बना हुआ है, तालाब पॉन्ड से आ रहा है, और ये मोटर लगी हुई है। तो ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू अवर होम्स इन डिफरेंट वेज, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी जो ज़रूरतें हैं घर में वो भी अलग अलग है, और हमारे यहाँ पानी की सप्लाई भी अलग अलग सोर्सेज से हो रही है। जैसे किसी के घर तालाब के नज़दीक है तो वहाँ तालाब से पानी आ रहा है, या किसी झील से, या नदी से, या फिर कुएं से। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। तो अगर हम बात करें कि कहाँ से व्हाट इज़ द सोर्स, पानी का स्रोत क्या है, तो कहाँ से आ रहा है। अगर पोंड, लेक्स, रिवर्स में भी तो कहीं से पानी आ रहा होगा, तो उसके बारे में अब पढ़ते हैं। बुजो वॉन्ट्स यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू टैप इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपको बुजो कहता है कि सोचो एक ही दिन आपके घर में पानी ना आए तो आपका क्या हाल होगा। सो यू हैव टू फैच इट योर सेल्फ फार अवे प्लेस। तो आप इसे लेने के लिए फैच होता है पानी लेने जाना, तो फैच मतलब पानी लेकर आना।
तो आप पानी लेने के लिए दूर तक जाओगे। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे? तो क्या आपको आप दूसरे दिन दोबारा से सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करोगे? तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि अगर हमें पानी ढोना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। हम एक एक बूंद को बचाने की सोचना शुरू कर देंगे। अभी नल से जो पानी आ रहा है, हम पानी की तरफ ध्यान नहीं देते और हम नल को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमें वो पानी ढोकर लाना पड़े तो हमें एक एक बूंद की कदर हो जाएगी और हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। तो ओशियंस कवर ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम पृथ्वी को दूर से देखते हैं तो बच्चों, पृथ्वी हमें कैसे दिखाई देती है? हरे रंग में पैचेस होते हैं और बिल्कुल नीले रंग की दिखाई देती है। तो नीले रंग का मतलब है कि धरती पर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। पर यह पानी इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत लिमिटेड क्यों है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर अब हमें आगे मिलेगा। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? तो 2/3 हिस्सा वाटर से कवर है अर्थ का। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियंस एंड सीज। तो ज़्यादातर ये पानी हमें ज़्यादातर समुद्रों में या फिर बड़े बड़े महासागरों में देखने को मिलता है। द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैव मैनी सोर्स डिसॉल्व्ड इन इट। द वाटर इज सलाइन। सलाइन होता है खारा। तो लेकिन हम ओशियंस का पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें नमक घुला होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, वो खारा होता है। तो बच्चों, सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल नीड्स। अगर हम उस पानी को यूज़ करेंगे पीने के लिए तो बच्चों क्या होगा कि हमारे जो बर्तन हैं वो ख़राब हो जाएंगे, हम उसे पी भी नहीं सकते। हमें भी, हमारे शरीर में भी सेल्स होते हैं जो श्रिंक हो जाएंगे या फिर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि सोल्ट एक अगर हम बात करें सोल्ट की, तो हमारी बॉडी में सोल्ट एक लिमिट तक चाहिए। अगर ज़्यादा हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वह हमें प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। इसी तरह पौधों के साथ भी है। You might have heard the famous lines of the poem Rhyme of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798. तो आपने एक पोएम के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस राइटर है। वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू टिंक। तो उनका कहना था कि हर तरफ पानी था जब वो समुंदर में, मतलब अगर समुंदर की बात करें तो हमारे चारों ओर पानी होता है लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं होती, तो क्योंकि वह पानी खारा होता है। हेयर द पोइट हैज़ डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशन। तो ये लाइनें पोइट ने उन सेलर्स के लिए लिखी हैं, उन नाविकों के लिए लिखी है जो ओशन में खो जाते हैं और उन्हें प्यास लगती है तो उनके पास पानी नहीं होता पीने के लिए। लेकिन सोचने वाली बात है, वो समुंदर में खो गए हैं जहाँ पानी ही पानी है, लेकिन वह पानी वो पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर को रीड करें और इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करें। थैंक यू।